दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारने वाले शख्स ने कहा है कि उसे ऐसा करने के लिए किसी ने नहीं कहा था। कैलाश पार्क में एक व्यवसाय करने वाले सुरेश चौहान ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर 4 मई को एक रोड शो के दौरान मोतीनगर में हमला किया था। उसने केजरीवाल की गाड़ी के बोनट पर सवार होकर केजरीवाल को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद पार्टी के समर्थकों ने उसकी पिटाई भी की थी। ये खुद समझ नहीं आया, मैं इस बात का पछतावा करता हूँ, मेरे को खुद भी समझ नहीं आया कि हुआ क्या। नहीं सर, रिकॉर्ड में तो नहीं जुड़ा था, ऐसे भावना के हिसाब से तो मैं जाता ही था। बीजेपी से? किसी से नहीं जुड़ा हूँ मैं, बीजेपी, कांग्रेस, ये क्या नाम है, आम आदमी पार्टी, ऐसा जुड़ा नहीं हूँ, भावना के हिसाब से जाता हूँ। जब केजरीवाल का आंदोलन चला था, देश को बदलने की बात बड़े पैमाने पर केजरीवाल साहब ने किया था, क्या केजरीवाल के उस राजनीतिक विचारधारा? अब आप आए ना सवाल पे सर। हाँ, अन्ना हजारे जी के साथ जब मिले थे तो अन्ना हजारे के कि भी चलो बहुत अच्छा और ईमानदार अफसर है, और मैं तो ईमानदारी कहूँगा बहुत अच्छा और ईमानदार अफसर है, और क्या कहते हैं भी काम करवाएगा, हमारे गाड़ी लुहार समाज का विकास कर देंगे, गाड़ी लुहार समाज हमारा सड़कों पे पड़ा रहता है, एक पूरी इतनी कॉमेडी के अंदर एक गाड़ी लुहार समाज ऐसा है, आज यहाँ 10 दिन तो 10 दिन हुआ ऐसा हाल है, और इस सरकार के सामने, इन सरकारों के सामने इतनी जागरूकता में भी ऐसा